हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कशिश किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ मोमोज, फ्राइड प्लस स्टीम, दोनों तरीके के मैं आपको दिखाऊंगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। पहले हमें चाहिए मैदा, 3 कप मैदा लिया है मैंने। इसमें हम मिक्स करेंगे नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिक्स करिए। इसमें उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब पानी से हम इसका डो बना लेंगे, अच्छे से गूंद लेंगे हम इसको। ये डो रेडी हो चुका है, अब हम इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देते हैं। ये पत्ता गोभी चॉप करिए और इसका हम पानी निकाल देंगे। इसमें मिलाएंगे नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी फिलिंग रेडी है, ये डो रेडी हो चुका है। इसे हम थोड़ा और गूंद लेंगे अच्छे से। इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। पूरी जैसे हमें बेलना है इसको। ये हमारे पेड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, तो पेड़े को हम बेल लेंगे पूड़ी जैसे। आपको ये एक जाली जैसी लेनी है परात। इसमें थोड़ा सा ऑयल लेंगे, ऑयल लगा देंगे हम इसमें और इसे प्री हीट करने के लिए रख देंगे। इसमें हम फिलिंग भरेंगे पत्ता गोभी की और इसे अच्छे से पानी लगा देंगे कॉर्नर्स में, ताकि ये चिपक जाए अच्छे से। और फ्राई करते वक्त या स्टीम करते वक्त खुले नहीं, इसे हम फोल्ड कर देंगे अच्छे से। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब इसे हम स्टीम के लिए रख देंगे। 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा हमारा। तब तक हम थोड़े से फ्राई कर लेते हैं। इसे हमें सिम पे फ्राई करना है। ये हमारे स्टीम हो चुके हैं, इसे हम धीरे से निकाल लेंगे। अच्छे से निकालिएगा आराम से, ताकि ये टूटे नहीं। ये पूरी तरह से स्टीम हो चुके हैं, ये हमारे फ्राई हो रहे हैं। इन्हें हम पलट लेंगे। पूरा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारे दोनों तरीके के मोमोज रेडी है, बिल्कुल मार्केट जैसे बनते हैं। आप बिल्कुल ट्राई करिए और खाइए।